रामा रहीम अस्सलाम वालेकुम आई होप यू ऑल फाइन एंड डूइंग वेल ओके टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक व्हिच इज़ अ क्लाइंट सर्वर और प्रीवियसली हमने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने जो है वो नेटवर्किंग स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर चेट, नेटवर्क कम्युनिकेशन का कि हम लोग किस तरह नेटवर्किंग करते हैं और आज हमने पढ़ना है क्लाइंट सर्वर बेसिकली हमारे पास क्लाइंट सर्वर होता क्या है क्लाइंट सर्वर हमारे पास इस तरह से होता है कि क्लाइंट जो है वो डिमांड करता है सर्विस की कि किसी भी सर्विस की सर्वर से और सर्वर जो है वो क्लाइंट की नीड को पूरी करता है क्लाइंट को जो चाहिए होता है उसको प्रोवाइड करता है ये सर्वर का काम होता है कि क्लाइंट को जो भी सर्विस चाहिए वो उसको प्रोवाइड करे बेसिकली क्लाइंट सर्वर का हमारे पास ये रिलेशन होता है अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड क्लाइंट गेट्स द सर्विस सर्वर का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना और क्लाइंट का काम होता है उस सर्विस को अवेल करना अ क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सम सर्विसज़ फ्राम एनअर एप्लीकेशन विच एक्ट एज अ सर्वर इस तरह से जो है वो क्लाइंट जो है वो सर्वर uh, से डिफरेंट uh, जो है वो रिक्वेस्ट uh, कर सकता है सर्विसेज की और जो है और जो उसकी सर्विस पूरा पूरी करेगा उसको हम सर्वर बोलेंगे वेन वी एक्सेस अ वेबसाइट वी गेट कनेक्ट ऑन और स्क्रीन सर्व बाय अ सर्वर और जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं अपने जो है अपनी स्क्रीन पे सर्वर को तो वहाँ पे जो है वो अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा ब्राउज़र होता है हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं ठीक है हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग अपना जी अकाउंट खोलना चाहते हैं या हम लोग किसी और वेबसाइट का लिंक ओपन करना चाहते हैं किसी की भी वेबसाइट का तो हम ये सर्वर से डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करे और सर्वर क्या करेगा वो सर्च करके जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा फॉर एग्जांपल हम कोई वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं तो सर्वर का काम है हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना जिस तरह से ये हमारा सर्वर है ये इंटरनेट के साथ जैसे ही कनेक्ट हुआ और ये हमारा क्लाइंट है जिस तरह से लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल जो है वो हमारे पास क्लाइंट है और वो जब सर्वर के साथ कनेक्ट होता है इंटरनेट के थ्रू तो वो उससे कोई भी डिमांड करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो सर्वर का काम है कि इस इनको प्रोवाइड करेगा वो सर्विस आर ई मेल आर ऑल्सो देयर ऑन सम सर्वर एंड वेन दी प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड और जैसे ही हम लोग जो है वो यूज़र और पासवर्ड अपना देंगे तो सर्वर वेरीफाइज वेरीफाइज क्रेडिएंटल्स जो हम लोग यूज़र नेम क्रेडिएंटल्स हमारे पास होते हैं जो हम यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो सर्वर उसको एक्सेप्ट करेगा और हमें क्या करेगा अपनी जो है वो जी मेल तक एक्सेस देगा जो हमारा अकाउंट है ओके फर्दर मूव ऑन टू क्लाइंट अभी हम लोगों ने क्लाइंट पढ़ लिया लेकिन हम उसको थोड़ा सा ऑर्ड जो है वो डीपली डिस्कस कर लेते हैं अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है डेट एक्सेस अ सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ सर्वर फॉर एग्जांपल टू चेक ईमेल वी यूज वेब ब्राउजर एज अ क्लाइंट द क्लाइंट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शंस अच्छा वो क्या कह रहे हैं क्लाइंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्सेस कर जो कि एक्सेस करेगा सर्विस ठीक है कोई भी उसको सर्वर प्रोवाइड करेगा उसको एक्सेस करना जो है वो क्लाइंट का काम है फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों ने अपनी ईमेल चेक करनी है तो हम लोग उसके लिए वेब ब्राउज़र जो है वो एज अ क्लाइंट यूज़ करते हैं हम जो है एज अ क्लाइंट जो है वो वेब ब्राउजर यूज़ करते हैं अपनी ईमेल चेक करने के लिए द क्लाइंट प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस ठीक है टू कैरी आउट एक्शंस लाइक गिविंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड अब क्लाइंट जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा अपने यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा और वो सर्वर जो है वो एक्सेप्ट करेगा यूज़र नेम और पासवर्ड और वो चेक करेगा क्या ये ऑथेंटिक है क्या ये सही रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओके okay. अगर वो सही होगा तो वो रिटर्न जो है उसको सर्विस प्रोवाइड कर देगा उसको जो रिटर्न में वो जो है वो ओपन करके दे देगा उसका जी मेल अकाउंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर आ क्लाइंट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें ये देखना होता है कि वो कुछ भी हो सकता है मोस्टली हमारे पास हार्डवेयर होता है जैसे कि सेलफोन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ठीक है बट इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रनिंग और सॉफ्टवेयर में हमारे पास वो कौन से होते हैं ऑन द हार्डवेयर इन द प्रोसेस विच मेक्स इट अ क्लाइंट और जो है वो आ, हमारे पास क्या है जो हमारे पास सॉफ्टवेयर रनिंग में है ठीक है ऑन दैट हार्डवेयर इज़ द प्रोसेस विच मे मेक्स इट अ क्लाइंट अगर हम लोग अपने हार्डवेयर को यूज़ करते ही हम लोग हार्डवेयर को यूज़ करते ही जिस तरह से हम लैपटॉप मोबाइल को यूज़ करते ही अगर हम लोग किसी सर्विस को एज अ क्लाइंट बनाना चाहते हैं कोई सॉफ्टवेयर को क्लाइंट बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं तो आपके पास जो क्लाइंट है वो आपका हमारे पास वो हार्डवेयर भी हो सकता है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है वो दोनों हो सकते हैं ओके okay, सर्वर हमारे पास क्या होता है अ अ सर्वर इज फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू टू रन अ सर्विस सर्वर एंड नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट सर्वर का काम बेसिकली क्या क्या होता है कि सर्वर हमारे पास फिजिकल कंप्यूटर होता है जिसका काम जिस होता है कि डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज जो कि सर्विसेज को रन करता है जो कि सर्वर जो है वो क्लाइंट की जो नीड्स होती हैं उनको सर्व करता है क्लाइंट को जो चाहिए होता है जो उसकी ज़रूरत होती है उसको सर्व करता है वो हमारे पास सर्वर होता है सिंपली इस बेसिकली आपने ये इतनी बात याद रखनी कि सर्वर का काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना और क्लाइंट्स का काम है कि सर्विसेज की डिमांड करना जो कि सर्वर प्रोवाइड करता है

क्रोम है मोजिला फायरफॉक्स है हम इनसे जो है वो कुछ सर्च करना चाहते हैं या अपनी ईमेल अकाउंट जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं तो ये हमारे पास वो वाला सर्वर होगा ओके फर्दर मूव ऑन टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क नेटवर्क का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास टाइप ऑफ कनेक्शन और टिपोलॉजीज़ आ जाती हैं टाइप ऑफ कनेक्शन के हमारा जो कंप्यूटर है जो हमारे पास नेटवर्किंग है उसमें हम लोग किस तरह के जो है वो हमारे पास कनेक्शन हो रहा है हमारे पास किस तरह से डिवाइसेस जो हैं आपस में कम्युनिकेट करती हैं टू डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सम वे टू द सेम लिंक एट द सेम टाइम ठीक है एक ही लिंक एक ही टाइम पर जो है वापस में कम्युनिकेट uh, कर रही होती हैं डिवाइसेज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं तो वो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट आर टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ कनेक्शंस दो हमारे पास इसकी कनेक्शन की टाइप्स होती हैं ओके okay. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमारे पास कनेक्शन होता है इज़ अ डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो है वो डायरेक्ट लिंक है जो कि हमारे पास सेंडर और रिसीवर का है सेंडर का, का काम क्या है सेंड करना और रिसीव का काम है रिसीवर का, का काम होता है रिसीव करना फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन आ रिमोट कंट्रोल एंड आ टी रिमोट कंट्रोल हमारे पास क्या है ठीक है Uh, अगर हम रिमोट रिमोट uh, से जो है वो हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग वॉल्यूम अप और डाउन मतलब फास्ट वॉल्यूम जो है वो हम लोग स्लो करते हैं और हम या तो वॉल्यूम अप करते हैं तो हम लोग जो है वो रिमोट के थ्रू करते हैं और टीवी क्या करता है वो रिसीव करता है जो हम उसको सिग्नल्स भेजते हैं कि इसको जो है वो तो हम रिमोट हमारे पास सेंडर होता है और टीवी जो हमारे पास उस टाइम रिसीवर होता है एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है ठीक है ए एक ही लिंक है डायरेक्ट लिंक जो है वो दो डिवाइसिस के दरमियान रिमोट एक डिवाइस है और टीवी एक डिवाइस है दो डिवाइसेस के दरमियान जो डायरेक्ट लिंक है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन कौन सा होता है इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज़ अ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर सेंडर एक है और मल्टीपल रिसीवर्स हैं सो मोर डिवाइसेज कैन शेयर अ सिंगल लिंक और एक लिंक जो, जो है वो काफ़ी ज़्यादा डि काफ़ी ज़्यादा जो है वो शेयर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल वाईफाई बेस्ड नेटवर्क सिंगल लिंक इज़ शेयर्ड अमंग मल्टीपल डिवाइसेज ठीक है वाईफाई जो है हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस को हम लोग शेयर करवा सकते हैं हम लोग एक ही डिवाइस के साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं हमारे पास वाईफाई की एक डिवाइस है उसके साथ हम लोग मल्टीपल अपने मोबाइल फ़ोन्स कंप्यूटर लैपटॉप जो है उसके साथ हम लोग अपने मोबाइल में वाई कनेक्ट करते हैं इसका तीन चार मोबाइल में हम एक साथ वाईफाई एक ही वाईफाई एक ही डिवाइस का वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास मल्टीपल कनेक्शन होता है इट्स वेरी सिंपल ओके अब हमने देखना है नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट अपनी अ, जो है हमारी प्रीवियस क्लास में एट्थ क्लास में ओके uh, टपोलॉजीज़ okay, हमारे पास क्या होती हैं टोपोलॉजीज़ बेसिकली हमारे पास होती हैं कि हम लोगों ने हमारे पास जोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस ठीक है ये हमारे पास एक जोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है ठीक है नेटवर्क की कि हम लोगों के आप हम लोगों के डिवाइसिस में नेटवर्क हम लोगों ने किस तरह से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं हम तीन चार तरीके से जो है वो अपनी डिवा अपनी डिवाइसिस अपनी जो आपस में हम लोग इंटरकनड डिवाइसिस होती हैं आपस में किस तरह से जो है वो उनमें किस शेप में जो है वो नेटवर्क net, जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है हम ये देखेंगे द फोर बेसिक नेटवर्क टेपोलॉजीज़ आर बस स्टार रिंग एंड मैश ये हमारे पास बेसिक फ़ोर हैं हमारे पास इसके अलावा भी होती हैं ओके बस टिपोलॉजी हमारे पास कौन सी होती है अब बस टिपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क थ्रू अ सिंगल कॉमन केबल ये सिंगल एक लेबल के एक सिंगल एक केबल के साथ जो है वो हमारे पास आ, हाँ चार डिवाइसेस हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट की हुई हैं जो कि इसके दो एंड हैं एक ये और एक ये ठीक है केबल जो है उसको हम लोग बैकबोन कहते हैं टिपोलॉजी की बस बस्टपोलॉजी ऑफर्स अ सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइसेस बहुत ही सिंपल बस बस्टपॉलोजी के एक हमारे पास जो क्या है सिंगल लिंक है ये सिंगल केबल है और उसके साथ हम लोगों ने डिवाइसेस जो हैं वो अटैच कर दिए हैं ऑल ऑफ़ द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम विच हैज़ एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट्स ये एक कॉमन जो है वो मीडियम exactly ट्रांसमिशन uh, के जरिए ठीक है आपस में कनेक्टेड है और uh, उसमें क्या है हमारे पास के इसके हमारे पास एग्जैक्टली exactly दो एंड पॉइंट्स हैं एक ये है और एक हमारे पास ये है इन दिस सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग फेलियर ऑफ एनी सिंगल डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर डिवाइस कनेक्टेड विद द केबल ओके अब वो कहते हैं कि अगर इन डिवाइसेस में एक भी फेलियर हो जाती है एक भी फेल होती है तो उसका दूसरे पे कोई असर नहीं होगा ठीक है आपस में अगर बाकी सब उसी तरह से काम करेंगे तो ये एक इसका एडवांटेज है इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द शेयर्ड कम्युनिकेशन केबल देन ऑल अदर डिवाइस कैन स्टॉप फंक्शन अगर हम एक ही चीज़ एक ही चीज़ जो है वो शेयर कर रहे हैं और वहाँ एक ही जगह से काफ़ी मल्टीपल हम लोग डिवाइस अटैच हैं और उनमें से मेन डिवाइस को ही अगर कुछ हम हम फुल हो जाती है हमारे लिए तो वो क्या हम तो वो क्या होगा वो सब पे इफ़ेक्ट करेगी और काफ़ी सा उसकी फंक्शनिंग जो है वो टोटली totally चेंज हो जाएगी तो लेकिन बस टेपोलॉजी में ऐसा नहीं है तो ये इसका एडवांटेज है हम जिस तरह से टेपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका आप लोगों ने खुद इसमें से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इसके फाइंड करने जो कि आपको इजीली समझ आ जाएंगे ओके स्टार टपोलॉजी हमारे पास क्या होती है अ स्टार टपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइस यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बाय केबल टू सेंट्रल पॉइंट ठीक है एक सेंट्रल पॉइंट से हमारे पास सात सारी कनेक्टेड होती है सेंट्रल पॉइंट को हम लोग हब कहते हैं और स्विच कहते हैं द सेंट्रल डिवाइसेस कंट्रोल ऑल द ट्रैफिक दियर फॉर डिवाइस कैन ट्रांसफर डाटा टू ईच अदर ओनली थ्रू द सेंट्रल पॉइंट अब सेंट्रल एक मेन पॉइंट है जिसको हम हब बोलते हैं या स्विच बोलते हैं वहाँ से डिवाइसिस आपस में कनेक्टेड हैं और जितना भी उन्होंने एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करना है तो वो जो है वो मेन सेंट्रल पॉइंट के थ्रू करेंगे अगर तो अगर सेंट्रल पॉइंट जो है वो हमारा खराब हो जाता है उसमें कोई उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है तो वो सारे कंप्यूटर के साथ जो है जिनके साथ ये सब अटैच है तो सबको क्या करेगा वो हार्म करेगा और सबकी फंक्शनिंग को खराब करेगा इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड री रिकनफिगर ओके okay, ये इसको इंस्टॉल और रिकनफिगर करना इजी है तो ये हमारा एडवांटेज हो गया स्टार्ट अपॉलोजी कंज्यूम मोर केबल देन द दे बस टपोलॉजी इसमें कर, हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जो कि हमारा डिसएडवांटेज है और ज़्यादा हमारे पास केबल यूज़ होती है और बस्टपॉलोजी जो है इफ़ देयर इज़ अ स्मॉल

ठीक है तो इसमें से आपने सर्च करना है नेक्स्ट हमारे पास है रिंग टिपोलॉजी ओके रिंग टिपोलॉजी जो है वो इस तरह से एक रिंग में जो है वो आपस में कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल इसमें भी आपको एक केबल के साथ कनेक्टेड नजर आते हैं एक फॉर्म जो है वो एक रिंग को बना रहे हैं एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर कैन सेंड डेटा टू इमीजिएट नेबर साथ वाले को इमिजिएट नेबर को जो है वो सेंड करता है ये यूनी डायरेक्शनल भी हो सकते हैं और बाई डायरेक्शनल भी यूनी डायरेक्शनल वो होते हैं जो कि एक या तो क्लॉक होंगे या एंटी क्लॉक होंगे ठीक है और बाई डायरेक्शनल कौन से होते हैं हमारे पास ऐसे होते हैं जो किसी भी डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं वो हम डिपेंड कर रहे होते हैं कि जिस तरह से डाटा जो रिसीव करो अ कंप्यूटर में पास डाटा टू इट्स नेक्स्ट नेबर इन दिस वे डेटा रीच द डिजायर्ड डेस्टिनेशन अ फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन द टू कंप्यूटर्स मेड डाउन द होल नेटवर्क ठीक है इसमें भी अगर एक हमारे पास ख़राब होगा तो वो क्या होगा कि वो एक रिंग में आपस में सारे कनेक्टेड हैं तो एक दूसरे पे इफेक्ट करेंगे इट डज़ नॉट रिक्वायर अ सेंट्रल डिवाइस टू मैनेज द कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइसिस इसके अंदर रिंग टेक्नोलॉजी में हमें किसी हब की ज़रूरत नहीं होती किसी भी स्विच की जरूरत नहीं होती इसमें आपस में ही कंप्यूटर आपस में रिंग बना रहे होते हैं ठीक है और वो आपस में एक दूसरे को साथ वाले नेबर को जो है वो डाटा शेयर करते हैं अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो होल सिस्टम जो है हमारा फेल हो सकता है ये यूनी डायरेक्शनल भी होते हैं बाय डायरेक्शनल भी होते हैं यूनी का मतलब होता है एक और बाई का मतलब होता है टू तो ये दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं ओके नाउ वी गोइंग टू लास्ट टिपोलॉजी मैश टिपोलॉजी मैश टिपोलॉजी हमारे पास क्या है कनेक्ट्स ऑल डिवाइस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक एज़ कम्पेयर टू रिंग टिपोलॉजी डेटा में रीच इट्स डेस्टिनेशन क्विकली अच्छा इसका एडवांटेज क्या है कि क्विकली जो है वो आप डेटा सेंड और रिसीव कर डाटा uh, सेंड कर सकते हो रिसीव कर सकते हो अब मैश टपॉलॉजी देखें इस तरह से आपस आप में मैश मैश अप है इस तरह से जो है केबल्स आपस में मैश्ड हैं और इसमें हमारे पास एक मेन हब भी है ओके okay, टपोलॉजी जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर टेपोलॉजीज़ ठीक है क्योंकि इसमें केबल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसमें लेंथी जो है वो केबल जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी तो केबल जो है वो हमारे पास बाकी टपॉलोजीज से ये काफ़ी महंगी है हाओ एवर द मेस्ट टपॉलोजी इज मोर रिलायबल एज़ इट ऑफर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इट इज़ अच्छा ये हमारे पास ज़्यादा रिलायबल है इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड मोर सिक्योर एज डेटा ट्रैवल ओनली बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर अब वो कहते हैं इसके अंदर जो है वो आपस में जो इसमें हमारे पास डाटा जो है काफ़ी सिक्योर ट्रेवल करता है सिक्योर होता है एक जगह से सेंड करता है एक जगह से रिसीव करते हैं तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या आ जाएगा कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है ठीक है लेंथी केबल यूज़ होती है तो इसलिए जो है वो ये थोड़ा हमें एक्सपेंसिव होती है बट ये हमारे पास रिलायबल है रिलायबल ऐसे कि हमारे पास ये सिक्योर है ठीक है तो आई <coughs> होप आपको जो है वो लेक्चर बहुत आ, समझ आया होगा और आपने अपने होमवर्क में जो है वो आपने क्या करना है कि आपने ये नेटवर्किंग के जो टिपोलॉजीज़ हैं ये आपने इसको राइट करना है ये आपके जो मेंशन कर दिया गया है आपकी जो एक्सरसाइज के लास्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपने वो अटेम्प्ट करना है अपने नोट्स पे करना है और थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़